टाइम पहले से भी ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा था कि मेरी शादी कब है, तो चलो आज फाइनली डेट रिवील कर ही देते हैं कि मेरी शादी कब है। तो आप सभी लोग, जितने भी हमारी इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली है, आप सभी को शादी में आना है ज़रूर ज़रूर। हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं आज के नए व्लॉग की शुरुआत। आज का नया व्लॉग सुबह सुबह 7:30 बजे से शुरू हो रहा है। अच्छी सी धूप भी खिल चुकी है और मम्मी लोग भी लगे हुए हैं अपने काम पे। कानी भी हो चुकी है तैयार स्कूल जाने के लिए। अब बुढ़िया आप कहाँ जा रहे हो? और बुढ़ी यार, अच्छा अभी अभी नहीं बनाया खाना? अच्छा तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी लोग काम कर रहे हैं, मैं भी कार्य करती हूँ चाय रखने का। आज हमारे खेत में हल लग रहा है तो हल्या जी के लिए रोटियाँ और चाय लेके जानी है, तो चाय रखती हूँ उनके लिए पहले। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बुड्ढा जी के लिए थोड़ा से लड्डू भी रख दिए हैं क्योंकि बुड्ढा जी आज जा रहे हैं अपने घर। दिखाई नहीं दे रहे ना, ये रहे। तो बुढ़ा जी के जाने की तैयारी भी करते हैं। बुढ़ा जी ने हमारे घर में हमारी खूब हेल्प की है, इस बार रंगबान इस बुढ़ा जी ने ही किया है। तो बुढ़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये आपके लिए थोड़े से लड्डू। तो दोस्तों मैंने बुढ़ा जी बोला, आप कई लोग कमेंट करेंगे कि बुढ़ा जी बोल रही है, क्योंकि जब मैंने एक बार बुढ़ी लोगों के साथ अपनी वीडियो बनाई थी तो उस टाइम पे भी लोगों ने, कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि तमीज़ नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलते। तो मैं बता देती हूँ, हमारे गढ़वाल में जो पापा की बुआ के हस्बैंड, यानी कि पापा जिनको मामा बोलेंगे, उनको हम रिश्ते में बुढ़ा जी बोलते हैं। एक होता है बुढ़ा, वो वाला नहीं, एक होता है बुढ़ा जी। तो बुढ़ा जी बोलना है मैंने उनको रिश्ते में, इसीलिए। ठीक है, कंफर्म हो चुका होगा ना। अब मैंने खेत के लिए चाय और सब्जी पैक कर दी है, अब चलते हैं इसे लेकर। तो दोस्तों मम्मी चली गई है खेत में हल्या जी के लिए चाय वगैरह लेके, खाना भी हमने खा लिया है। और आज बर्तन मेरे को धोने पड़ेंगे पूरे 3 महीने बाद, क्योंकि पता नहीं जब से मेरी शादी का दिन हुआ है, ना ही मेरी मम्मी मुझे जल्दी उठाती है और ना ही मुझसे काम करवाती है ज़्यादा। बट आज खेत में हल लग रहा है, इस वजह से आज बर्तन मुझे ही धोने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, इतना काम तो करना बनता ही है। तो चलो मैं जल्दी जल्दी पहले अपने बर्तन धुल लेती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से। एक अच्छी सी खबरी सुनानी है आपको और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट अनाउंस करनी है, क्योंकि आप सभी लोगों ने काफ़ी टाइम से पूछ रहे हो मुझे, तो आज मैं रिवील कर दूंगी। तो फिलहाल थोड़ा देर रुकिए, मैं बर्तन धोती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों फाइनली अब मुलाकात पूरा काम ख़त्म होने के बाद हो रही है, और चलो अब मैंने जो खुशखबरी बोली थी वो भी आज रिवील कर ही देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों विगत कुछ दिनों से आप डेली देख रहे होंगे, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, शादी का दिन हो गया, शादी के गहने ले लिए, अलाना फलाना वाली वीडियो ही डाल रही हूँ डेली डेली। तो कई लोग मुझे उसमें भी क्वेश्चन कर रहे थे कि आपकी शादी कब है, और काफ़ी टाइम पहले से भी ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा था कि मेरी शादी कब है। तो चलो आज फाइनली डेट रिवील कर ही देते हैं कि मेरी शादी कब है। और यहाँ पे हमारी शादी के कार्ड भी छप के आ चुके हैं। ये वाला कार्ड है मेरे ससुर जी लोगों के साइड से जो हमको दिया गया था, और ये कार्ड हमारा है। तो सबसे पहला कार्ड देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, तो ये कार्ड तो काफ़ी दिन पहले आ गए थे, तो वो तो मैंने चढ़ा दिया था भगवान जी को पहले ही दिन। और दूसरा कार्ड दिया जाता है ससुराल वालों को, मतलब जैसे एक कार्ड हमने हमारे ससुराल वालों को दिया और एक ससुराल वालों के साइड से हमारे लिए आया था, वो तो ये है और हमारा वाला ये है। तो वो तो मैंने दे दिया था उसी दिन, उसकी मैंने थोड़ा सा वीडियो क्लिप बनाई है, तो मैं उसको पहले शेयर करती हूँ, फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों एक कार्ड यहाँ पे मेरे ससुर जी लोगों के नाम से लिख दिया है मैंने, क्योंकि एक कार्ड देवी देवताओं के बाद ससुराल वालों को दिया जाता है। अभी फिलहाल ये क्लिप मैं बाद वाली वीडियो में डालूंगी, जिसमें मैं अलग से कार्ड वाला ब्लॉग बनाऊंगी। तो अभी हमने आज ही उनको देना है, जब आज वो दिन सुनाने के लिए आएंगे, क्योंकि कल शनिवार है, तो इसलिए आज ही देना पड़ेगा। और शादी की डेट तो मैं आगे आपको बताऊंगी ही, और गांव का नाम भी आपको तभी पता चलेगा। झरनों को कलकल मीरू पहाड़, फूले बुरुसी फूली है गे बहार, झरनों
जैसे दोस्तों आपने पीछे की वीडियो में तो देख ही लिया होगा कि कार्ड एक्सचेंज हो चुके हैं और बाकी उसके बाद मामा लोगों को दिया जाता है, तो मामा लोगों को हमने फ़ोन में ही भेज दिए थे कार्ड, और बाकी रिश्तेदारों को जो दिल्ली चंडीगढ़ ऐसे हैं तो उनको तो हमने फ़ोन में ही भेजा है, जो सामने के होंगे उनको हम वैसे देंगे, मतलब कार्ड में ही देंगे। तो कार्ड छप के आ चुके हैं यहाँ पे। कार्ड के साथ साथ अब हम रिवील करते हैं वेडिंग डेट। तो ये रही हमारी वेडिंग डेट। इसमें ना उल्टा दिख रहा है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ, तो मैं अपने मतलब खुद से ही बता देती हूँ। 18 तारीख को है मेहंदी, 19 तारीख को है क्या है 19 तारीख को है हल्दी हाथ, और 20 तारीख को है बारात। तो मतलब अप्रैल में, तो ये तीनों दिन हमारे रहेंगे शादी के। तो आप सभी लोग जितने भी हमारी इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली है, आप सभी को शादी में आना है ज़रूर ज़रूर। कार्ड तो पर्सनली मैं किसी को नहीं भिजवा पाऊँगी क्योंकि एड्रेस भी नहीं पता है और फैमिली भी हमारी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो वीडियो के माध्यम से ही आप सभी लोगों को सादर आमंत्रण, ज़रूर ज़रूर आएगा शादी में। तो दोस्तों पिछले एक दो वीडियो में मुझे थोड़ा सा कमेंट आया था कि कितनी खुश है बेचारी बेचारी, मतलब मुझे तो उसमें कोई दुखी होने वाली बात दिखी नहीं है, तो इसलिए तो मैं खुश खुशी होकर वीडियो बनाती हूँ। और फाइनली दोस्तों, जिस चीज़ का आपको भी इंतज़ार था और मैं भी काफ़ी टाइम से बताना चाह रही थी बट मौका नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं इसमें पूरा वीडियो बनाऊँगी। तो आप लोग शादी में आना ना भूलिएगा और अब काम करते हैं अपना। और क्या दोस्तों, दिन के बज चुके हैं 12:30। मैंने बाहर में आग जला ली है क्योंकि आजकल हमारा चूल्हा थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, तो मैंने सोचा आज बाहर में ही रोटी बना लेते हैं। और आग तो अभी मेरी जल चुकी है अच्छे से। अब मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाती हूँ सबके लिए, मम्मी भी आने ही वाली होगी शायद। और बहुत ही ज़्यादा धूप भी लग रही है, ऊपर से चूल्हे की गर्मी भी आ रही है और मुँह पर भी ना बहुत ज़्यादा जलन हो रही है मेरी आजकल, पता नहीं क्यों। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अपना आशीर्वाद देना ना भूलिएगा और शादी में आना भी। तो बाय बाय दोस्तों।